हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। क्विज का टॉपिक है मौर्यन पीरियड एंड दिस इज पार्ट 3। जो प्रीवियस 2 पार्ट्स है उन दोनों पार्ट्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन विजिट करो, देयर यू विल गेट द लिंक ऑफ ऑल दोज पार्ट्स एंड आप उन लिंक्स के थ्रू दोनों पार्ट्स को देख सकते हो। ठीक है, अब पार्ट 3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फादर ऑफ बिंदुसारा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम ही है, बस इसको जो एक्टिवली और पैसिवली जो है पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द सेकंड रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ अशोका? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्ता। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है जो अशोका जो रूलर थे मौर्यन पीरियड के, जो रूलर थे बहुत ही फेमस रूलर थे ये, उनके दादा का मतलब कि ग्रैंडफादर का नाम क्या था? तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रैंडसन थे वो कौन थे, तो वहाँ पर जो है वो हो जाएगा अशोका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द थर्ड रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फादर ऑफ अशोका द ग्रेट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। द फादर ऑफ अशोका द ग्रेट वाज बिंदुसार, और यू कैन से द सन ऑफ बिंदुसार वाज अशोका द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर हाउ मेनी इयर्स मौर्यन पीरियड लास्टेड? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 137 ईयर्स। ठीक है, टोटल 137 साल तक मौर्यन एम्पायर जो था वो रूल किया उसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डैश नोन टू ग्रीक्स एज अमिट्रोचेटस? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसारा। ठीक है, बिंदुसारा को जो ग्रीक्स वगैरह जो थे वो बिंदुसारा को एक टाइटल उन्होंने दिया था जो कि था अमिट्रोचेटस। ठीक है, इसको आप अगर आप किसी और तरीके से भी प्रोनाउंस करते हैं सो इट डजंट मैटर। ठीक है, आप किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमिट्रोचेटस? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लेयर्स ऑफ फोज। ठीक है, अभी स्लेयर्स मतलब हो जाता है हत्यारा और फोज मतलब हो जाता है दुश्मन। ठीक है, मतलब दुश्मनों को जो जो व्यक्ति हत्या करता है उसको आप बोल सकते हो कि अमिट्रोचेटस कहते हैं। ठीक है, ये टाइटल का मतलब होता है, मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 10, टू होम बिंदुसारा आस्क्ड टू सेंड सम स्वीट वाइन ड्राइड फिक्स एंड अ सोफिस्ट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच मौर्यन रूलर पैट्रनाइज्ड अजीविकास? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसारा। अब अजीविकास क्या होता है तो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक मतलब कि डिटेल आ रहा होगा, उसके थ्रू आप समझ सकते हो व्हाट इज अजीविका। व्हेन यू विल डू गूगल यू विल गेट दिस। क्वेश्चन नंबर 12, अंतियोकस वन वाज द रूलर ऑफ? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अमित्रा घाटा दिस टाइटल बिलोंग्स टू होम? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसारा। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द सन ऑफ बिंदुसारा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा। नाउ इट इज कॉल्ड पटना, विच इज द कैपिटल ऑफ बिहार स्टेट। एंड इफ यू गाइज हैव
watched this video till this point. I'm really grateful for you and have a good day.